आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज से जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारे फॉर्मेट हमारे पास हम स्टडी करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले हमारे पास जो पढ़ते हैं वो अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है वो पढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले ये ज़रूरी है जानना। फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव, कंटेनिंग वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन। एन अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन कंटेनिंग वन एंड मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स। उसके बाद पास जो पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। एंड वन एंड मोर ऑफ अननोन एंड वन ऑन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो भी एक दो तीन कितने भी हो सकते हैं। इस तरह के जो कंटेन करते हैं उनको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल क्यू जेड अपॉन डेल वाई क्यू इक्वल टू टू एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह हम कई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू वन अपॉन टू। फिर से यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो एक्स है, वाई है, दो एक है, दो भी हैं। इस तरह से अब आता है अपने पास ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ पीडी। ऑर्डर ऑफ पीडी फ्रेंड्स क्या होता है? द डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाइएस्ट, सॉरी सॉरी ऑर्डर, हम ऑर्डर पढ़ रहे थे। द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकमिंग एन ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे अपने पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ अ पीडी इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द हाइएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव अकरिंग इन द पीडी। अपने पास जैसे पीडी है, ये पीडी है, इसमें हाइएस्ट ऑर्डर कितना, जैसे हम इसमें देखते हैं तो हाइएस्ट ऑर्डर क्या है? थ्री। तो ये इसका जो ऑर्डर है वो थ्री हो गया। इसी तरह हम इसमें देख सकते हैं इसमें हाइएस्ट ऑर्डर क्या है, इसमें हाइएस्ट ऑर्डर क्या है? वन, क्योंकि वन सबसे ज़्यादा बार हो रहा है, वो वन बार ही डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये हो गया वन। इसी तरह हम इसमें देख सकते हैं, तो इसमें देखने के लिए हमें यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव आ रहा है वो सेकेंड आ रहा है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का पीडी हो गया। अब आता है अपने पास डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिग्री ऑफ अ पीडी। अब फ्रेंड्स ये क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पीडी, द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द डिग्री ऑफ अ पीडी इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच अकर इन इट आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन रैशनलाइज्ड, आई मेड फ्री फ्रॉम द रेडिएशन एंड फंक्शनल ऑफ द डेरिवेटिव। जैसे कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम उसको हम सबसे पहले इस तरह से जो डेरिवेटिव की जो घातें होंगी, ये पूर्ण घात होनी चाहिए, उसमें हम बदलेंगे। उसके बाद जो उसकी ऑर्डर होगा, जो भी उसकी पावर होगी वो उसका ऑर्डर होगा, डिग्री होगी। जैसे हम इसको लेते हैं तो इसमें सिंपली चेंज हुआ हुआ है, तो इसके जो डिग्री है, इसकी डिग्री अपने पास 1। अब इसका देखते हैं, इसका सिंपली चेंज हुआ है तो इसकी डिग्री है अपने पास 1। अब हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारे पास चेंज नहीं हुआ है, तो इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करने पे ये अपने पास यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब इस कंडीशन में हम देख सकते हैं ये सभी अपने घात के रूप में है, पूर्ण घात के रूप में है। देन इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जो डिग्री हुई है अपने पास, डिग्री इसकी हो गई अपने पास 2। इस तरह से हम इसकी डिग्री शो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं हमारे पास सम नोटेशंस। नोटेशंस क्या नोटेशंस है वो अपने पास, जैसे कहीं अपने पास पी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्यू लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। आर लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एस लिखा मिल जाए तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। एंड टी इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसी तरह कहीं कई जगह हमारे पास ये लिखा जाता है यू एक्स, इसका मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स। यू वाई इसका मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल वाई। यू यू एक्स एक्स आ जाता है तो उसका मतलब होता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। एंड जैसे यू एक्स वाई आ जाए तो इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इस तरह से अपने पास नोटेशंस होते हैं। अब फ्रेंड्स आता है अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्लासिफिकेशन में करते हैं, सबसे पहले होता है वो होता है अपने पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन क्या किसे कहते हैं, आप फर्स्ट उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज ए लीनियर इन पी क्यू, इफ इट इज लीनियर इन पी क्यू एंड जेड। आई इसका मतलब होता है इफ इट इज द फॉर्म, इफ इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर इसी फॉर्म हो जिस तरह से पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स वाई क्यू या पी एक्स वाई पी क्यू एक्स वाई क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड प्लस एस एक्स वाई, जहाँ पे जो पी एक्स वाई का फंक्शन है, क्यू एक्स वाई का फंक्शन है, आर एक्स वाई का फंक्शन है और ऐसे ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। इसका जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल है अपने पास वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स, ये अपने पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह हम ले सकते हैं अदर एग्जाम्पल, ये ले सकते हैं पी प्लस क्यू इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, ये भी एक लीनियर है। उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन सेकंड, आता है सेमी लीनियर। सेमी लीनियर इक्वेशन, अब फ्रेंड्स सेमी लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, कोई
ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेमी लीनियर इफ इट इज इन लीनियर इन पी क्यू एंड द कोफिशेंट ऑफ पी एंड क्यू द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। मैंने बोला जैसे अब फर्स्ट ऑर्डर पीडी इज सेड टू बी सेमी लीनियर सेट टू बी सेमी लीनियर इक्वेशन इफ इट इज लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी एंड क्यू एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पी क्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू द फंक्शन ऑफ एक्स वाई ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली आई। जिसका जो जनरल फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी फ्रेंड्स, जनरल फॉर्म होगी वो इस तरह से होगी इसकी पी एक्स वाई पी एक्स वाई पी प्लस क्यू एक्स वाई क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ई एक्स पी प्लस वाई एक्स क्यू इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। ये अपने पास एक सेमी लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद आता है अपने पास थर्ड आता है क्वेसी लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड्स क्वेसी लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? क्वेसी लीनियर इक्वेशन कहते हैं अगर कोई इक्वेशन इस तरह के इस फॉर्म में हो, उसका जनरल फॉर्म है पी एक्स वाई जेड पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। इस फॉर्म में हो तो जो अपनी इक्वेशन होती है वो क्वेसी लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसके लिए ले सकते हैं हम एक्स वाई जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ये अपने पास जो इक्वेशन है ये क्वेसी लीनियर इक्वेशन है। फिर उसके बाद आती है अपने पास फोर नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पीडी ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो विच डू नॉट अंडर द एबव थ्री टाइप्स आर सेड टू बी नॉन लीनियर इक्वेशन। अब जो हमने इक्वेशन की फॉर्म पढ़ी थी जैसे क्वेसी लीनियर है, लीनियर नहीं है एंड सेमी लीनियर नहीं है, तो इसके अलावा जो भी अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन होंगी। अब इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम जैसे पी क्यू इक्वल टू जेड इस तरह की, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन इस तरह की, जैसे एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, इस तरह की जो भी इक्वेशंस होंगी सब नॉन लीनियर होंगे, नॉन लीनियर हैं। फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स अब फॉर्मेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ मेथड्स हैं उसमें पहले पढ़ते हैं। पहले आता है अपने पास वो आता है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। फ्रेंड्स इसमें किस तरह से पढ़ते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है, कंसीडर द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है अपने पास इस तरह से एक्स वाई जेड ए वी
इक्वल टू जीरो। इस तरह से मेरे पास कोई इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे ए बी होंगे, वेयर ए एंड बी आर एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। अब फ्रेंड्स हमारे जो इसमें लक्ष्य होता है वो होता है अपने हमें ए और बी का एलिमिनेट करके जो फंक्शन हो वो एफ एक्स वाई जेड क्यू क्यू पी क्यू की फॉर्म में लाना होता है। पी क्यू एफ एफ जो होता है वो पी क्यू की फॉर्म में होगा, साथ में एक्स वाई जेड के फंक्शन हो सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, लेट जेड बी रिगार्डेड एज फंक्शन। ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि जेड कोई फंक्शन है, वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड जो फलन जेड जेड जो है वो इस तरह से है कि वो एक्स वाई का कोई फंक्शन है। देन इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट इसको दे लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शली। देन हमें मिल जाएगा इससे डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई। जैसे जैसे हमने एक्स के वाई के रेस्पेक्ट में किया तो डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा, प्लस एक बार जब इसमें जो जेड का फंक्शन होगा उसका करेंगे तो वो आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल एफ अपॉन डेल जेड का करना पड़ेगा, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड आ जाएगा। और डेल जेड अपॉन डेल वाई जिसको हम क्यू लिख सकते हैं, तो डेल जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड ये आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ये अपने पास फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर टू आ गई। नाउ अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी एलिमिनेट ए एंड बी। इस तरह से अपने पास जो इक्वेशन नहीं आएगी वो इस तरह से फॉर्म आएगी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आ जाएगी। फिर से अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई जेड बराबर फंक्शन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये अपना फंक्शन है और हमें इसके लिए कंस्ट्रक्ट आ पीडी पीडी निकालनी, जबकि हमारे पास ए एंड बी है जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको निकाल के हमें सबसे पहले इसके लिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो आएगा वो आ जाएगा अपने पास ए, क्योंकि बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे। इसी तरह डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर बी, ये आ गया अपने पास। डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होता है, पी होता है, और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होता है, क्यू। तो अब इनकी वैल्यू ये इक्वल टू पी आ गया, बी इक्वल टू क्यू आ गया, तो अब इनकी वैल्यू हम जेड में रख देते हैं। जेड बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, जो कि अपने पास जो पी डी है जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी ये आ गई, क्योंकि फंक्शन है पी, सॉरी इसमें फंक्शन है इसमें ए बी सी ए बी कहीं भी नहीं है, तो पी क्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये अपने पास ये पी डी कंस्ट्रक्ट हो गई। अब फ्रेंड्स इसके लिए इसके हमें तीन टाइप की इक्वेशंस मिल सकती हैं, तीन टाइप की इक्वेशंस मिल सकती है, तो थ्री टाइप पे थ्री सॉल्यूशन में अराइज, तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। अब सॉल्यूशन फर्स्ट क्या होता है अपने पास वो पढ़ते हैं पहले। फ्रेंड्स इफ वी हैव ए कंडीशन दैट व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज लेस देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर इन दिस केस में हम क्या करते हैं, देन देन द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट यूजली
गिव्स राइज टू मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये आपके पास जेड बराबर ए एक्स प्लस वाई, ये है हमारे पास। तो इस कंडीशन में हमें निकाल, इस कंडीशन में जो अपने पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है वो एक्स ही है, जबकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपने पास दो हैं। तो इस कंडीशन में अपने पास आ सकते हैं, जैसे इसको हम अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालें तो ये आ जाएगा ए, ये ए आ जाएगा, तो डेल जेड बराबर पी। तो ये तो हम सिंपल लिख सकते हैं, जेड जेड बराबर पी एक्स प्लस वाई, ये लिख सकते हैं। और अगर साथ ही हम ये निकाल लें डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल लें, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर वन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, जेड बराबर एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, या जेड बराबर एक्स पी प्लस वाई, इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। फ्रेंड्स सेकंड कंडीशन है अपने पास, वो है अपने पास सेकंड कंडीशन, इफ नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट